हेलो, ब्राइट सीव टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा बैक क्लोजर में धागा कैसे डालते हैं, क्योंकि सबसे चीज़ मेन यही है, अगर आप धागा सही नहीं डालोगे तो मशीन सही से सिलाई नहीं देगी। इसलिए हम आपको बताते हैं मशीन में धागा कैसे डालना है, ठीक है? और लास्ट तक वीडियो देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और ऐसे अनेक वीडियो बना के डालूंगा जिससे आप को मशीन कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठे मशीन को घर पे ही बना सकते हो, या आपकी फैक्ट्री हो या आपका गोदाम हो, कहीं भी आप ये मशीन वहाँ पे बैठ के बना सकते हो। मैं बहुत सी ऐसी वीडियो बताऊँगा, और जो आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से आपको वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है? चलिए पहले आप अपने स्टार्ट करते हैं धागा कैसे डालना है। चलिए सबसे पहले तो आपको कौन को यहाँ पे भरा देना है, ठीक है, समझ गए? और उस ये अच्छे से कस देना है, क्योंकि ये अगर जो बहुत ऐसा ढीला रहेगा तो भी धागा टूटने के चांसेस रहते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको डालना है धागा यहाँ, ठीक है? उसके बाद आएगा धागा यहाँ पे, ठीक है? फिर टेंशन के ये जो एक हॉल दिख रहा है जो सामने है उधर, चलिए अब फिर ये दो प्लेट के बीच फंसाना है। फिर धागा आएगा दो प्लेट के बीच फंसाना है सही से, ऊपर ना आ जाए नहीं तो नहीं चलेगा मशीन, समझ गए? ये जो दो है, ये दो प्लेट के बीच आना चाहिए धागा ऐसे, अगर यहाँ ऊपर आ गया तो भी नहीं चलेगा, ठीक है? पहले यहाँ पे देखिए, इजी है यहाँ पे, फिर यहाँ से धागा लेके ये हॉल में डाल के फिर ऊपर आना है, फिर ऊपर आकर ये यहाँ पे डाल के दो प्लेट के बीच फंसा के यहाँ निकालना, ठीक है? अब आएगा नीडल के सलिए में जो हॉल दिख रहा है यहाँ पे, ये हॉल में आएगा यहाँ से, लेकिन चलिए वो भी हम आपको बता देंगे। स्टार्ट, देखो ये यहाँ से आएगा, ठीक है? बहुत इजी है, लेकिन हमारे बच्चे को थोड़ी डालने, देखिए हम फिर से डालते हैं, फिर ये यहाँ से आएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, ये हॉल में आएगा, ये हो गया, ठीक है? ये यहाँ से निकाल लेना है, चलिए ये हो गया। फिर हमें डायरेक्ट नीडल में डालना है, और ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ से बाहर से आएगा, ठीक है? देखिए बाहर से आएगा, ठीक है? ये धागा यहाँ से डालना है ऐसे नीडल में। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ज़रा हमारे जो हमारा वीडियो क्रिएटर के साथ हमारे जो भाई है वो थोड़े कमज़ोर है, इसलिए हम आपको फिर से देखिए। ओके, अब आपकी सिलाई परफेक्ट। हाँ, और मैं ख़ास ये चीज़ बताना चाहता था आपको कि ये प्रेशर खास देख लेना है, अगर पुराना मशीन है, नया है तो कोई टेंशन नहीं है, पुराना है तो ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइट निकलना चाहिए, थोड़ा सा चेक कर करके देख लेना इसको कस के और ढीला करके, ठीक है? चलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।